सोमवार को बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस द्वारा इंदौर के आरटीओ ऑफिस का घेराव करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं युवा कांग्रेसी द्वारा आरोप लगाया गया कि इंदौर आरटीओ में लंबे समय से लगातार अधिकारियों की साठगांठ से भ्रष्टाचार चल रहा है। लाइसेंस बनाने की बात हो या गाड़ी ट्रांसफर कराने की बात हो, जिसको लेकर अधिकारी और एवजियों की साठगांठ के चलते मोटी रकम लेते हुए कागजों की हेराफेरी की जा रही है। फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर गाड़ियां पास की जा रही हैं। वहीं लर्निंग लाइसेंस के नाम पर लोगों से बगैर ट्रायल के रुपए लेकर साठगांठ कर फर्जी तरीके से लाइसेंस बना रहे हैं। युवा कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया है कि इंदौर आरटीओ में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा आरोप लगाया गया है कि जल्द ही आरटीओ से अवैधियों को निकाला जाए और आरटीओ में भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही कर आम जनता के साथ हो रहे खिलवाड़ को आरटीओ द्वारा बंद किया जाए। वहीं पूरे मामले में इंदौर आरटीओ जितेंद्र रघुवंशी द्वारा बताया गया कि कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। आरटीओ के किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार नहीं हो रहे हैं। वहीं पूर्व में ही आरटीओ में लंबे समय से दादागिरी कर बाहरी दलालों को पहले ही हितायत देकर निकाला दे दिया गया है और सभी को हितायत दी गई है। यदि आरटीओ परिषद में किसी प्रकार का कोई भी दलाली करता पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। द्वारा आज ज्ञापन दिया गया भ्रष्टाचार को लेकर, पूरा क्या मामला है और किस प्रकार की जांच की जाएगी? मुझे यहाँ 3 वर्ष हो गए हैं और 3 वर्ष से मैं यहाँ पदस्थ हूँ। उसके पहले भी इंदौर में पदस्थ था और यहाँ हमने जो भी काम किए हैं वो इंदौर में आरटीओ के ऐतिहासिक काम किए हैं हमने, है ना। राजस्व वृद्धि हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे रोड सेफ्टी हो, हर काम में हम सबसे आगे रहे हैं। हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारी जिस जगह आरटीओ ऑफिस बना है वहाँ की वातावरण एक अलग टाइप का है। पीछे गांव है, यहाँ पर काफ़ी लोग रहते हैं और वो बेरोजगार हैं, उनको कोई काम नहीं है। वो यहाँ आकर लोगों से संपर्क करते हैं और ये जितने इस गांव के लोग हैं वो लगभग इस कार्यालय के अंदर ही घूमते रहते हैं। शक्ति करने पर इस तरह का जो इनका प्रदर्शन उसका जो किया है, मेरे को लगता है कि इसी कारण किया है या जो भी राजनीतिक कारण होंगे, मैं नहीं समझता इसको। हमारे कार्यालय में अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन हो चाहे कुछ हो, हम अभी पूरे मध्य प्रदेश में नंबर वन रहते हैं। यही इससे ही हमारे उसको आप समझ सकते हैं कि हमारी कार्य करने की शैली कैसी है। हमारा किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। जो भी इनके द्वारा कहा गया है कि फर्जी मार्कशीट हैं या अन्य जो भी कारण हैं, उसमें पुलिस ने विवेचना कर ली। हमारे यहाँ के कोई कर्मचारी इसमें लिप्त नहीं पाए गए। और उनको FG के संबंध में बात करना है या उनके ऊपर दबाव आ रहा है या उनको लोग परेशान कर रहे हैं, अगर पुल या जनता को साथ मारपीट की जा रही है, तो इस तरह के कोई प्रकरण मुझे देखने नहीं आए। आप संबंधित थाना प्रभारी से भी इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर किसी ने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया हो या उनके साथ मारपीट की हो जनता को, तो वो खुद बताएंगे कि इस तरह का कोई प्रकरण यहाँ पर है कि नहीं है। हम लोग आगे होकर जनता का काम करते हैं और काम करते रहेंगे और ना किसी के आगे हम अनावश्यक दबाव में ना डरेंगे, ना डरे हैं ना डरेंगे। हमें अपना काम करना है, हम काम करते रहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र सिंह रघुवंशी क्षेत्रीय। जो राम बाबू जो है जिनको यहाँ से आपने हटाया गया था उनको वापस पदस्थ कर दिया, ये परिवहन आयुक्त जिन्होंने पदस्थ किया है वो परिवहन आयुक्त महोदय हैं भाई। गलत अगर उनको हटा दिया गया था, जाँच में उनको कुछ भी नहीं पाई गई लिप्तता अगर, तो उसमें उन्होंने वापस कर दिया पुराने आयुक्त महोदय ने, वो भी डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर कार्यालय में। अगर किसी व्यक्ति से किसी की वो है तो पूरे कार्यालय को इस तरह से नहीं लेना चाहिए। और रही बात है कि ये जो अभी कांग्रेस के जो भी पार्टी के अभी नए अध्यक्ष बने हैं, तो इनको जो भी इनके उन्होंने दायित्व दिया होगा उसको वो पूरा कर रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं से गलत हूँ तो और भी बहुत सारी एजेंसियाँ वो अपने कार्रवाई करें उस पर। सर कई लंबे समय से यहाँ पर 8-9 साल से भी अधिकारियाँ अटके हुए, तो उनका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो पा रहा है क्या? ये किसी का ट्रांसफ़र करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। इस संबंध में हमारा आयुक्त कार्यालय है, वही उस संबंध में निर्णय लेते हैं। इसमें मेरी तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया जाता। मेरा जो पदस्थ हैं उनसे मुझे कैसे काम लिया जाता है ये मेरा काम है और मैं अच्छे ढंग से वो कर रहा हूँ। सर आपका नाम? जितेंद्र सिंह रघुवंशी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, इंदौर।